सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं महाद्वीप, और तो महाद्वीप में अपन ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उठाया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया है, बस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खत्म होने ही वाला है। तो अपन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें घूमी है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अपन ने किस तरीके से पढ़ने की कोशिश की है और किस तरीके से आपको याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे पहले तो कंट्री देखनी है, सबसे पहले आपके पास एटलस होनी चाहिए, एटलस की बुक आपके पास होनी चाहिए, और उसमें आपको देखना है कि कौन सा देश, कौन सा शहर किस जगह स्थित है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको इसको बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल कितनी कंट्री थी, तो 22 कंट्री थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया था, और सबसे छोटा देश नॉर्वे था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया को अपन ने किस तरीके से पढ़ा, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को अपन ने 6 इसमें राज्य थे, और अपन ने देखा 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जो शहर थे, प्रमुख शहरों की अगर बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा, पर्थ, और इस तरीके से आपने 6 थे। एम आपको ट्रिक दी थी, एम ए को क्या ट्रिक दी थी आपको, बी एस सी एम ए पी एच डी करके आपने ट्रिक दी थी, उसको आपको बार बार याद करना है, उसके बाद आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे आपको बता देते हैं, इसके बाद अपन ने क्या देखा, अपन ने एंटर किया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, प्रमुख जो चीज़ें थी अगर बात करें तो किस तरीके से वहाँ के जो मूल निवासी है उनको क्या कहते हैं, तो वहाँ के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहते हैं। वहाँ पर जो पशुपालन, वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो मिक्सचर इकोनॉमी थी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसमें क्या क्या था ये आपने देखा। जैसे अगर बात करें तो पशुपालन, यानी कि पशुओं को बांधने के स्थान को क्या कहा गया, स्टेशन कहा गया। वहाँ के पशुपालकों को क्या कहते हैं, जेकारू कहा गया। इस तरीके से आपने जनरल जो फैक्ट होते हैं वो देखे, इसकी खोज किसने की थी, तो कैप्टन कुक और तस्मान करके जो व्यक्ति हुए उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, एवेन और तस्मान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें अगर देखा तो अपन ने कौन कौन सी जो खान थी, मतलब माइनिंग के लिए कौन कौन सी जो मिनरल्स निकलते हैं वो आपने कल देखा, जैसे कालगुल्ली और मालगुल्ली सोने के लिए फेमस थी, बीपा था, बीपा किसके लिए फेमस था, बॉक्साइट के लिए था। इस तरीके से आपने देखा पूरा, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सी खान किसके लिए फेमस है, ये आपको देखना है और आपको इसको बार बार रिवीजन करना है। तो आज देखते हैं झीलें भी देखनी है आपने, झीलों में आपने कौन कौन सी झीलें देखी, तो ये थी विक्टोरिया झील आपको देखनी थी, विक्टोरिया झील देखी। उसके बाद आपने क्या देखा, उसमें डिसअपॉइंटमेंट झील थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। डिसअपॉइंटमेंट जो झील थी वो क्या थी, मकर रेखा पर स्थित एकमात्र झील है, ये आपको याद रखनी थी। उसके बाद आपने मरुस्थल वाला चैप्टर भी देखा, मरुस्थल कौन कौन से थे, 5 मरुस्थल थे यहाँ पर फेमस जो थे। जैसे आपको बात करते हैं तो विक्टोरिया ब्रत, यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल था, ग्रेट सैंडी मरुस्थल था। इस तरीके से आपने ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अपन आ रहे हैं यहाँ पर, क्या अपन देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो ज़्यादा फेमस नदियाँ वो ही चीज़ें आपको बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन मुख्य जो आपको याद रखनी है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आप मैप उठाओगे, मैप में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे विक्टोरिया अगर नदी की बात करते हैं, विक्टोरिया नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी विक्टोरिया रिवर आपको देखना है, ये तिमोर सागर, और यहाँ पर कौन सी खाड़ी थी, बोनापार्ट की खाड़ी जो थी वो यहाँ पर जाके ये मिल जाती है, बोनापार्ट जो था यहाँ पर इसकी खाड़ी में ये जाके मिल जाती है। तो विक्टोरिया नदी ये आपको देखना है, वही मिसेल नदी ये भी आपको देखना है, ये ऊपर की ओर मिलती है सारी, ठीक है, ये याद रखना है, मिसेल, गिल्बर्ट रिवर, ठीक है। तो आपने विक्टोरिया नदी भी देख ली, मिसेल नदी देख ली, गिल्बर्ट नदी देख ली, गिल्बर्ट रिवर देख ली। इसके बाद फिटजरॉय रिवर बताई थी आपको, फिटजरॉय रिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिटजरॉय रिवर ये क्या करती है, मकर रेखा को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार काटती है, क्या काटती है, फिटजरॉय नदी है, मकर रेखा को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार काटने वाली नदी क्या है, फिटजरॉय है, यहाँ लिख देते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है, फिटजरॉय नदी इसको 2 बार काटती है। वही मर्रे और डार्लिंग, इनको दोनों एक साथ नाम लिए जाते हैं, मर्रे नदी से ही क्या निकलती है, डार्लिंग नदी का उद्गम होता है, अर्जन होता है। इसमें से आपको पूछा जाएगा कि मर्रे और डार्लिंग के द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, तो सबसे पहले तो मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, किसकी नदी है, ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो मर्रे नदी है। वहीं अगर बात करते हैं मर्रे और डार्लिंग, ये दोनों जो निर्मित करती है इस वाले पॉइंट, इस वाले एरिया में, इसके द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं,
रेवोरिना मैदान कहते हैं इन्हें। गेहूं की खेती के लिए ये मैदान काफी उपजाऊ होते हैं। बात कर लेते हैं, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे इंडिया में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कौन करती है? गंगा नदी करती है। उत्तर भारत के जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है गेहूं की खेती के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा क्या करती है, हर साल नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है। दो प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे जलोर मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और जैसे बोल सकते हैं खादर और बांगर, तो खाद इसी प्रकार से ये क्या करती है, प्रत्येक साल यहाँ पर क्या होता है, ये नदियाँ अपने साथ कुछ मिट्टी बहाकर लाती है, तो वही है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ। जैसे इंडिया में उत्तर भारत की मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं खेती करने के लिए, उसी प्रकार से मर्रे और डार्लिंग द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, रेवोरिना कहते हैं। ये गेहूँ खेती के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, गेहूँ खेती के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। वहीं ट्रीटमेंट नदी आपको यहीं कहीं मिल जाएगी, मच्छीसी नदी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको मेन याद रखना है मर्रे और डार्लिंग नदी, ये इनको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिटरजो रिवर आपको इसमें से याद रखनी है, फिटरजो रिवर, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें विक्टोरिया नदी याद रखना है, गिलबर्ट और मिशेल नदी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन इनमें से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, क्वेश्चन यू उठ के आता है, कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, तो नहीं है, तीन ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक रहेगा जो इससे संबंधित नहीं रहेगा, तो आपको इस तरीके से देखना है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं और कौन कौन से मरुस्थल के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था मरुस्थल के बारे में, कौन कौन से डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, डेजर्ट के साथ साथ यहाँ पर मैदान देखने को मिलेंगे, घास के मैदान, तो गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, तनामी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, तनामी और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, ये देखने को मिलती है। इस वाले पर्टिकुलर पश्चिम, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इसी आधार पर क्या है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण यानी कि गर्म जलवायु रहती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है यहाँ पर। इसी जलवायु के अकॉर्डिंग यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसे सवाना घास के मैदान बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति को बिंदुबी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, कौन सी जनजाति, बिंदुबी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर बात करते हैं तो इन मरुस्थलों के आधार पर ही क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर दवानल देखने को मिलता है, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहने से क्या होगा, पत्ते आपस में क्या करेंगे, पतझड़ का मौसम बहुत ज़्यादा रहेगा, उसी के आधार पर क्या होगा, आपको पता है पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या होता है, आग का ओरिजिन होता है, तो वही है, यहाँ पर आग देखने को मिलती है, मतलब जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलती है पश्चिम वाले एरिया में। यहीं पर आर्टिजियन कूप यानी कि उत्सू जो कुआ रहते हैं, उत्सू कुआ का मतलब होता है कि अंदर से जो दबाव बनता है, दबाव बनने से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जो पानी निकलता है, अचानक से पानी निकलता है, जगह जगह ये कुएं देखने को मिलते हैं। तो उत्सू कुएं कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में, ये क्यों, क्योंकि यहाँ का क्या होता है, प्रेशर के कारण ये पृथ्वी के अंदर का पानी ऊपर आ जाता है, ये आपको इतना याद रखना है। बाकी ये पूरा ये वाला एरिया क्या, बंजर ही है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या रहती है, बहुत ही कम, पूरी जनसंख्या अगर बात करते हैं तो इसके कहाँ पर रहती है, पूर्वी इलाके में रहती है, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है, क्योंकि मरुस्थल है, ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, यही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान, ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय है, इसको याद कैसे रखना है आपको बता देते हैं। सभी महाद्वीप आपको देखते हैं कि अगर आप पूरा एक बल्ब मैप निकालोगे उसमें सभी महाद्वीप ऊपर की ओर दिखते हैं, अप साइड वही ये वाला जो महाद्वीप है ये डाउन यानी कि नीचे की ओर दिखाई देता है, तो डाउन यानी कि डाउन क्लास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेंगे, सिंपल सा आपका याद हो जाएगा। ये कैसे शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट, शीत यानी कि गर्म और ठंडे, शीतोष्णकटिबंधीय यानी कि बोल सकते हो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट है, ये याद रख सकते हो। भाई यहाँ पर दो स्थानीय हवाएं चलती हैं, स्थानीय हवाओं में अगर बात करते हैं ये दो स्थानीय हवाएं कौन कौन सी है, दक्षिणी वेस्टर्न यानी कि ये कैसी है, ठंडी है, ब्रिक फील्डर ये गर्म हवा है, ये कहाँ चलती है ये याद रखना है, दक्षिणी वेस्टर्न ये हो जाएगा, ब्रिक फील्डर ये हो जाएगा, ब्रिक फील्डर कैसी है, गर्म है, और दक्षिणी वेस्टर्न कैसी है,
ठंडी है, ये आपको याद रखना है। वहीं यहाँ पर एक चक्रवात आता है जिसका नाम है बिली बिली। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ फैक्ट्स चल रहे हैं जिनको आपको याद रखने हैं। आज आपने क्या पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं वो पढ़ी आपने, जैसे मर्रे और डार्लिंग नदी के बारे में जानकारी ली। मर्रे और डार्लिंग नदी यानी कि मर्रे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, डार्लिंग इसकी सहायक नदी है। यहाँ के जो यहाँ पर जो मैदान बनाते हैं वो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा और यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ पर डाउंस यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। किस प्रकार के हैं, तो शीतोष्ण प्रकार के हैं। वहीं सवाना घास के मैदान इसके पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बिंदु भी जनजाति रहती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 5 प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलते हैं। यह पश्चिमी एरिया में दवानल यानी कि जंगल में लगने वाली आग देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर उत्सुक हुए देखने को मिलते हैं। तो ये आपका आज इतना ही, कल इसको पूरा कल कंप्लीट करा देंगे, इसमें जो जो फैक्ट रह गए हैं वो पूरा कंप्लीट। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इस तरीके से पढ़ना है कि आगे आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत उसके बारे में जवाब दे पाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।